तजुर्बा कैसा रहा है आप लोगों ने, क्या देखा है वहाँ का, जो इलाज हो रहा था लोगों का, लोगों का रवैया, कोई कमी, कोई बीशी, कोई बुरी बात, कोई अच्छी बात? देखिए, एक तो ये थी नई सी चीज़ थी ना, तो उसमें अगर कुछ गिले थे भी ना तो बाद में दूर हो गए, क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा हौसला मिला, मैं कोई सियासी वो नहीं हूँ, मैं एक पेट्रॉट हूँ, पेट्रॉट मतलब कि एक मुहब्बे वतन आदमी हूँ, मुझे मुल्क से मोहब्बत है, वो आया एक्स वाई जेड कोई भी उसे चलाए, लेकिन मैं इस बंदे से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ज़िया भाई लव यू, आप अगर ये मेरी बात सुन रहे हो, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त दे और अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद करे। तो ज़िया भाई ने मुझे फ़ोन किया, शायद मैं अभी एक दो तीन घंटे ही मुझे हुए थे कि भाई मैं ज़िया बात कर रहा हूँ, ज़िया बंगश की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं ज़िया बंगश बात कर रहा हूँ, पहले तो अफसोस कि आपको ये दुख हुआ, ये सब कुछ मुझे भी दुख हुआ, मैं हम दुआ करेंगे, बहरहाल ये है कि सहूलियात आपको जो चाहिए मैं हाज़िर हूँ। तो मुझे वो बड़ा अच्छा ऐसा लगा कि देखो यार, एक्टिंग गवर्नमेंट में कोई बंदा इतना रैपिड एक्शन आज तक मुझे तो नहीं नज़र आया था कि इतना कोई किसी का केयर करे। तो उस पर मुझे बड़ा हौसला मिला और बड़ी खुशी हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वाकई मतलब, क्योंकि बिगनिंग था, स्टार्ट था, फिर तबलीग जमात वाले वो बेचारे परदेसी थे, तो उनका वो एक अपनी घबराहट में थे, उसमें सफाई एडजस्टमेंट या थोड़ी ऐसी चीज़ें थी, और खाने का भी अभी वो शुरुआत थी, बिगनिंग थी ऑलमोस्ट, क्योंकि शायद मेरा दूसरा तीसरा केस था, तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा वो बिगनिंग